नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम एमएस वर्ड के अंदर करेंगे कि किस तरह से हम किसी वेबसाइट से कुछ डाटा को अपने वर्ड के अंदर लेकर आ सकते हैं, या सिंपली तौर पर हम कहें कि हम अपने वेब पेज को वर्ड के अंदर सेव करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक हल्का सा टॉपिक है और आपका काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये, क्योंकि कई बार हमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है कि किस तरह से हम डाटा को वर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करें। हम कॉपी पेस्ट करते हैं और हमारा सारा का सारा डाटा वो हमारे पास आता है, जिसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज एक ऐसा टॉपिक करेंगे कि आप किसी भी तरह के डाटा को अपने वर्ड के अंदर लेकर आ सकते हो और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको एडिट कर सकते हो। तो मैं ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ। ब्राउज़र के ऊपर मैं गया, मैंने कोई भी टॉपिक सपोज कीजिए यहाँ चूज़ करना है, सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ कंप्यूटर लर्निंग। अब मुझे लगता है कि मुझे इस वेबसाइट से डाटा है वो मिल सकता है कि कौन कौन से कोर्सेज इनके पास हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर अवेलेबल है। या मैं सपोज करता हूँ कि अगर मैं करूँ कि इन्होंने मुझे जो पढ़ाना है पीएचपी के बारे में, तो इनके पीएचपी के प्रोग्राम में क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं। तो ये देखिए, इन्होंने पूरा पीएचपी का टूल आपको प्रोवाइड कर दिया। अब अगर मैं इस पूरी इंफॉर्मेशन को अपने पेज पर चाहता हूँ तो मुझे करना क्या है, जस्ट इस पाथ को कॉपी करना है, अपने वर्ड के अंदर जाना है, कंट्रोल ओ ब्राउज, और इस लोकेशन पर आपको वो पाथ डाल देना है। तो जब मैं इसको ओपन पे क्लिक करता हूं, ये फाइल आपकी आपको वर्ड के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि डाटा अभी आपका सर्वर से उठ के आ रहा है तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपको डाटा रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये देखिए, सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। मैं यहाँ से अनेबल एडिटिंग करता हूँ, तो जैसे ही मेरी एडिटिंग मेरे लिए अनेबल हो जाएगी, मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं रखनी है, तो अब जैसे ही मैंने अनेबल एडिटिंग पर क्लिक किया, मेरे लिए एडिटिंग अनेबल हो चुकी है। देखिए यहाँ पर मेरे कलर कम्बिनेशन आ चुके हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया, मेरे पास सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो जैसी भी मेरी रिक्वायरमेंट हो, मैं इसको इजीली चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे इसके फॉन्ट के कलर चेंज कर देने हैं, सबका फॉन्ट कलर मुझे ब्लैक ही चाहिए, तो मैंने ब्लैक कर दिया। मैं यहाँ से इसको कोई भी स्टाइल दे सकता हूँ, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, कोई भी साइज दे सकता हूँ। और फाइल सेव एज, या सेव आप इसको करते हो वर्ड डॉक्यूमेंट में, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया इसका वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए ब्राउज। मैं इसको सेव कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर पीएचपी के नाम से, लेकिन मुझे चाहिए वर्ड का डॉक्यूमेंट। तो मैंने यहाँ पर जो भी मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर मैं क्लिक करता हूँ और ओके सेव। तो इस तरह से ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो चुकी है। आप किसी वेब पेज को ओपन कर रहे हो और उसको सेव कर रहे हो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।